हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाल का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड। बताइए क्या है। यस, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बनाने जा रहे हैं आलू टिक्की, वो भी एकदम बंगाल की स्टाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को दबा दे। साथ ही इंस्टा पे मेरा पेज है, आप मुझे उस पे भी फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पीला वाला मटर है मेरे पास जो आपको राशन दुकान में आराम से मिल जाएगा। तो इसे हाफ किलो मैंने लिया है और पूरी रात इसे भिगो के रख दिया है और सुबह मैंने इसे 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये जो पानी दिया है मैंने अच्छा वाला पानी दिया है। जब हम इसे बॉईल करेंगे तो ये पानी हमें गिराना नहीं है, यही पानी हमें यूज़ करना है। तो अब चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, उसमें लगभग 1 टीस्पून नमक देंगे। ये हल्दी है मेरे पास 1 टीस्पून और ये बेकिंग सोडा है मीठा वाला, इसे सिर्फ 1/4 ही देना है। उसके बाद ये जो बटाना है इसे हम कुकर में डाल के 2 सीटी लगा लेंगे ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। कभी कभी क्या होता है, ये जो मटर है 2 सीटी में ही बॉईल हो जाती है और कभी कभी ये 3-4 सीटी में भी नहीं होती। तो ये आप ध्यान रखिए, आपके मटर पे डिपेंड करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे सीटी लगा देते हैं। फ्रेंड्स, हरी चटनी बनाने के लिए ये मैंने 1.5 गुच्छी हरे धनिए को अच्छे से तोड़ के धो लिया है और 5 से 7 हरी मिर्ची ली है और 1 टीस्पून नमक लेंगे। हरी मिर्च तीखे के हिसाब से आप अपने हिसाब से लें और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। तो इन तीनों को डाल के हम थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्सी में पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप चाहो तो इसमें एक अदरक का टुकड़ा भी दे सकते हो। इसे हमें बहुत ज़्यादा जाड़ा नहीं रखना है, थोड़ा पतला ही रहेगा ये। तो चलिए इसे दूसरे डिश में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मटर को मैंने 2 सीटी में नहीं हुआ इसलिए मैंने 3 सीटी लगाई है, क्योंकि ये मटर जो है हमें पूरी अच्छी तरीके से सिका हुआ चाहिए, कड़क बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये देख पाएंगे आप, इस तरीके से हमें बूंदा बूंद चाहिए, पूरा गला हुआ मटर चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने मटर को अच्छे से बॉइल्ड कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा छौंक देते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 टेबलस्पून ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं हल्दी का यूज़ ज़्यादा कर रही हूँ। अभी हल्दी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम इसमें डाल देंगे ये मटर, आपने जैसे देखा कि पहले मैंने मटर को बॉईल करते टाइम भी हल्दी दिया था और फिर से भी कर रही हूँ हल्दी का प्रयोग। तो देखिए, मैंने सारे मटर को इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 टीस्पून नमक। नमक ध्यान से दें, पहले भी हमने बॉईल करते टाइम नमक दिया था और वो पानी गिराया नहीं हमने। और लगभग 6 टीस्पून खट्टी चटनी है, ये खजूर और इमली की चटनी है, ये 6 टीस्पून दे रही हूँ मैं। और ये भी लगभग 6 टीस्पून ही दे रही हूँ, जो चटनी हमने धनिए की बनाई थी। अब इन सब को हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए इसलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी देंगे।
तो लगभग 1.5 गिलास के आसपास पानी दिया है मैंने इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद ये जो सब्जी है हमारी मटर की, वो बिल्कुल रेडी है। ये 5 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारी ग्रेवी है वो भी जाड़ी होने लगी है, तो इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये जो सब्जी है बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बॉयल्ड आलू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बॉयल्ड आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से लें, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून हल्दी, जैसे कि आप जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हो, ब्रेड क्रम्स से बहुत अच्छी टिक्की बनती है। फ़िलहाल मैं इससे ही काम चला रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स भी ना हो तो आप रात के बचे हुए चावल यूज़ कर सकते हो। देखिए, ये मैंने हाथों को थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है। अब हम इसकी एक छोटा सा बॉल्स लेंगे, टिक्की का साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हो, छोटा बड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस साइज़ का ले रही हूँ, ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ का है। और इस तरीके से गोल करके इसे हम फ्लैट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी टिक्की बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी टिक्की को मैंने बना के रेडी कर लिया है। कुछ टिक्की को मैंने छोटी साइज़ की बनाई है और आप देख पाएंगे इसे इस तरीके से साइड से फ्लैट शेप दिया है। और ये जो बड़ी टिक्की है उसे मैंने ऐसे ही रखा है इस तरीके से करके। तो इस तरीके से हमने सारी टिक्की को रेडी कर लिया है। तो इसे हम थोड़ा सा गैस पे सेक लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पाएंगे इतने आलू में 7 बड़ी टिक्की बनी है और 11 छोटी टिक्की। टिक्की बनाने के लिए ये मैंने पैन को गैस पे चढ़ा दिया है और इसको हल्का सा ऑयल से इस तरीके से हम ग्रीस कर देंगे ताकि जो टिक्की है वो चिपके नहीं। अब ये जो टिक्की बनाई थी हमने, इस तरीके से हम एक एक रख देंगे। एक बार में लगभग 5 से 6 टिक्की बन सकती है। देखिए फिर इस तरीके से हम टिक्की को रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से चारों तरफ से डाल देंगे। बीच बीच में इसे इस तरीके से पलटते रहना है ताकि टिक्की नीचे से चिपके नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी टिक्की मस्त क्रिस्पी हो चुकी है। अगर क्रिस्पी रहेगी तो ही खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरीके से अच्छा सा क्रिस्पी सेके इसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्लेटिंग। फ्रेंड्स, कभी आपको ऐसे लगे कि ये जो ग्रेवी है थोड़ी पतली है तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ये जो हमने टिक्की बनाई थी, एक टिक्की को मैश करके इस तरीके से डाल दें और अच्छे से मिला लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी करते हैं प्लेटिंग। उसके लिए मैंने एक प्लेट में 2 टिक्की ली है। अब हम इसमें ये छोले डालेंगे जो मटर को हमने अच्छे से छौंक लिए थे। इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, पहले पतली हो तो चलेगा, बाद में अपने आप ही थोड़ी जाड़ी भी हो जाती है। देखिए इस तरीके से हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। उसके बाद नोटिस करें, ध्यान रखें फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ आपको डालनी हो तो कंटिन्यूसली रखें तो आपको डालने में इजी रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे इसमें प्याज, उसके बाद टमाटर, ये धनिया पत्ता है, हरी मिर्ची बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो दें अदरवाइज ना दें, ये चटनी है धनिया की जो हमने बनाई थी,
ये खजूर इमली की चटनी है, लगभग 1 टीस्पून दे रही हूँ मैं इसमें। ये फ्रेंड्स मैंने मसाला बनाया है, इसमें सादा नमक, काला नमक, 1 चम्मच जीरा पिसा हुआ भुना पिसा और 1 चम्मच लाल मिर्च है। चारों को मिला के, चारों को इक्वल क्वांटिटी में लेके मैंने ये मसाला तैयार किया है। इसे भी इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे क्योंकि जो प्याज टमाटर है उसमें नमक नहीं है, उसके नमक उसको बैलेंस करने के लिए हम ये मसाला डाल रहे हैं। तो नमक ऑलरेडी इसमें है तो हमें अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऊपर से डाल देंगे ये सेवैयां। और फाइनल टच के लिए थोड़ा सा मैं इसमें प्याज और टमाटर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो चाट है बिल्कुल रेडी है, आलू टिक्की। तो आप भी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।